भारी कीमत आएगी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी। हाँ, हेलो, राजशेखर स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूँ, रंजित भी मारा गया है। राठौर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सर, हैव अ सीट। यस सर, थैंक यू। आज की हेडलाइंस तो तुमने पढ़ी होंगी। यस सर, आप रंजीत उर्फ आरडीएक्स की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं ना? पिछले 3 दिनों में यह चौथी वारदात है। 4 लोगों का खुलेआम कत्ल कर दिया गया। जानता हूँ सर। तब तो तुम ये भी जानते होंगे कि 4 नॉन क्रिमिनल थे और छोटा नारंग के लिए काम करते थे। मतलब साफ है कि ये गैंगवार है। सर, लगता तो ऐसा ही है, पर छोटा नारंग के आदमियों पर हाथ डालने का हौसला कौन कर सकता है? वेल, कोई तो उनका दुश्मन होगा। सर, अगर छोटा नारंग का कोई दुश्मन है तो वो है इकबाल खत्री। पर इकबाल खत्री तो ये हमले नहीं करवा सकता, क्योंकि वो तो दुबई या तो कराची घूमता रहता है। नो, नॉट एनीमोर। हमें इंटरपोल से इंफॉर्मेशन मिली है कि इकबाल खत्री नेपाल के बॉर्डर से भारत में दाखिल हो चुका है। उसका इस तरह से इंडिया में दाखिल होना एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है।
इससे पहले कि वो बहुत बड़े खतरे को अंजाम दे, मैं चाहता हूं कि आपकी कमांड फोर्स उसे ढूंढ निकाले। सर, कमांड फोर्स के होते हुए इकबाल खत्री अपने किसी भी खतरनाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकता, ये आपसे मेरा वादा है। हेलो शाइना। यस चीफ। 5 मिनट में मैं तुम्हें हेडक्वार्टर्स में देखना चाहता हूँ। आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स चीफ। चीफ। साहिल, तुम्हारे पास ऑफिस पहुंचने के लिए सिर्फ 4 मिनट है। ओके चीफ। गुड। 4 मिनट? Yes, Chief. Anisha, क्या तुम 2 मिनट में हेडक्वार्टर्स पहुंच सकती हो? I'm in office, Chief. That's good. मुझे प्रोजेक्शन रूम में मिलो। Yes, Chief. Abhinav Sanyal here. Abhinav, Rathod here. Sir, 5 minutes mein headquarters pahuncho. Right away, sir. I'll be there in 4 minutes. That's good. Guys, we are in a mess. इकबाल खत्री, तुम लोगों ने इकबाल खत्री का नाम तो सुना ही होगा। इकबाल खत्री, ये तो वही अंडरवर्ल्ड डॉन है जो दुबई का किंग कहलाता है। He is one of the most wanted terrorists. हाँ वही। 10 साल पहले हमारे देश में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसका मुख्य आरोपी। और ये इकबाल खत्री ऊंची कीमत लेकर दुनिया के किसी भी देश में आतंकवादी वारदात को अंजाम दे सकता है। We know that. 7 देशों की पुलिस इकबाल खत्री को ढूंढ रही है। उसके नाम का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि ये इकबाल खत्री इस वक्त हमारे देश में इसी शहर में आ चुका है। Oh, no. हाँ, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इकबाल खत्री के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स, ना डीएनए सैंपल, कुछ नहीं। अगर हमारे पास कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ उसके कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस। छोटा नारंग की गैंग से दुश्मन के बाद
उसकी पूरी गैंग का सफाया हो चुका है। हमारे पास उसका एक भी कांटेक्ट नहीं सिवाय ये लड़की जो इकबाल खत्री की महबूबा है। सुना है कि दोनों ने शादी कर ली है पर कंफर्म नहीं है। इकबाल खत्री के बारे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतने ही इंफॉर्मेशन है और फिर भी इस इकबाल खत्री को हमें किसी भी हाल में ढूंढना होगा। एंड दैट्स द चैलेंज। डोंट वरी चीफ, बहुत जल्द उसकी लाश आपके कदमों में होगी। नहीं अभिनव, तुम उसे शूट नहीं करोगे। इकबाल खत्री हमें जिंदा चाहिए, जिंदा। Any questions? No, Chief. No, Chief. Good. नारंग का राइट हैंड भी मर चुका है और लेफ्ट हैंड भी, वो अपाहिज हो चुका है, लेकिन लेकिन क्या? वो अभी तक जिंदा है। अब नहीं रहेगा। लेकिन अब तक तो कमांड फोर्स एक्शन ले चुकी होगी, अब हमारा काम और मुश्किल हो जाएगा। माय स्वीट हार्ट, डोंट वरी, हमारा काम अब कमांड फोर्स ही करेगी। आओ चलो, मैं तुम्हें बाहर घुमा के लेके आता हूं। अरे देख क्या रे है भाई, असली है, माल देना जल्दी। मिल गया। सलाम साहब। कुछ नहीं साहब, वो मेरा मुलुक वाला है ना साहब। साहब मैं सच्ची बोल रहा है साहब, साहब वो पहले के उल्टे सीधे धंधे सब बंद कर दिए ला साहब। माल, वो माल साहब मैं खुद के वापरने के लिए खरीद रहे था साहब। साहब आप तो मेरे को जानता है ना साहब, गर्दुल्ला कभी झूठ नहीं बोलता साहब। साहिल, चीफ चाय पिलाओ इसे। साहब मैं चाय नहीं पीता साहब, चाय छोड़ दिया मैं साहब। साहब सच्ची बोल रहा हूँ, मैं चाय नहीं पीता अभी। खत्री, इकबाल खत्री के बारे में क्या जानते हो तुम? खत्री साहब, वो लोग बोलते हैं कि वो दुबई में है, पर अपने को मालूम है साहब, वो इधर ही बाजू कराची में बैठे है साहब। गर्दुल्ला सच बोलता है साहब, सच्ची। ये खबर बहुत पुरानी हो गई है गर्दुल्ला, इकबाल खत्री हिंदुस्तान आ भी चुका है और इसी शहर में। ये क्या बोल रहे हैं साहब? बोले तो आरडीएक्स और वो, हाँ, नारंग और उसके साथियों को भी उसी ने उड़ाया है। अब देखो साहब, आप लोगों को तो सब मालूम है साहब, अपने इससे कुछ भी लेना देना नहीं साहब, अपने को कुछ भी नहीं मालूम साहब, सच्ची बोल रहा है साहब। जानता हूं गर्दुल्ला, तू बहुत ऊंची चीज है। एक टाइम तू खतरे के लिए काम करता था ना, और मैं जानता हूं तू सब कुछ जानता है उसके बारे में। चल बता भी। उसकी कोई खास कमजोरी या फिर कोई आदत? खाना साहब, खाना। ओ, माल रोड है ना अपना, उधर जो डोंगर पे जाने का रास्ता है, नाके पे जो ढाबा है,
उधर का चिकन बिरयानी उसके हलक के नीचे ना जावे ना, उसे चैन नहीं मिलता साहब। अगर वो इधर है ना, उधर ढाबे पे वो चिकन बिरयानी खाने को आएगा, जरूर आएगा साहब। साहब मैं कल्टी अभिनव साहिल मऊ। उनसे ऑर्डर ले लो, बैठे। सलीम इनसे ऑर्डर लो। करीम जरा जल्दी ऑर्डर ले। कैसा लग रहा हूं? एकदम ओरिजिनल, लेकिन अपनी मूंछ तो संभाल लो। साहिल अपना काम करो। ओके चीफ। छह घंटे हो गए हैं चीफ, लेकिन यहां तो कोई भी नहीं आया। हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। लेकिन अगर वो नहीं आई तो? मुझे लगता है कि वो जरूर आएगा। अरे सलीम उनका ऑर्डर लेना। नली निहारी, एक कोरमा नान, हाँ? और एक स्पेशल चिकन बिरयानी। तो क्या ये इकबाल भाई का ऑर्डर है? हाँ जी। अरे गफूर आया साहब। एवरीवन इकबाल खत्री की गर्लफ्रेंड मोनिका इज़ योर। अपना पार्सल लेने आई है। अभिनव चीफ बी अलर्ट। यस चीफ। हाँ साहब इकबाल भाई का ऑर्डर ही जल्दी लेकर आना। ठीक है साहब। आपका पार्सल। थैंक यू। मैडम आप कहें तो मैं गाड़ी तक छोड़ दूं आपका ऑर्डर। हाँ नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। ठीक है। कितना हुआ? 500 रुपये। चीफ वो यहां से निकल गई है। मूव। Thank you.
इकबाल, हमें बिरयानी नहीं खिलाओगे? यस सर। गुड जॉब मेजर राठौर। यस वी गॉट हिम। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। इकबाल खत्री। व्हाट हैपेंड चीफ? आप मिशन की कामयाबी से खुश नहीं है? कुछ अजीब लग रहा है मुझे। इकबाल खत्री, इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल, जिसे 7 देशों ने भगोड़ा घोषित किया है, वो इतनी आसानी से हमारे हाथ आ गया। स्ट्रेंज, समथिंग इज स्ट्रेंज। शायद इसलिए क्योंकि हम उनकी कमजोरी जानते थे। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है चीफ। देखा तुम्हारे चीफ को? अरे मिशन की कामयाबी पर खुशखबरी देने के बजाय हमें उलझाने पर तुले। लेकिन वो हमेशा सही होते हैं। एंड बाय द वे, वो सिर्फ मेरे चीफ नहीं है, तुम्हारे भी। व्हाटएवर, तुम कहती हो तो मान लेता हूं। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो मुजरिम जिसने हजारों लोगों को बॉम्ब से उड़ा दिया, हमने उसे गिरफ्तार क्यों किया? हमें तो उसे गोली मार देनी चाहिए थी। इनफैक्ट मुझे भी यही लग रहा है कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी ये मुजरिम खुलेआम घूम रहा था। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। मेजर राठौर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इकबाल खत्री पर हाथ डालकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। तुम मेरे खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं कर पाओगे। एक बार मैं तुम्हारे शिकंजे से बाहर निकला तो मां कसम एक एक को चुन चुन के मारूंगा। क्यों? सच कह रहे हो तुम? हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए जा सकते हो तुम। साहिल, ये जहां जाना चाहे जा सकता है। चीफ, छोड़ दो उसे। डर गए? मैंने तो सुना था मेजर रंजीत सिंह राठौड़ दुनिया में किसी से नहीं डरता। तुम जैसे खतरनाक मुजरिम से तो डरना ही पड़ता है ना। डर क्या हमें? साहिल, जाने दो इसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो? तुम मुझे आजाद नहीं कर सकते। अरे मेरा नाम इकबाल खत्री है, मैं अंडरवर्ल्ड का बादशाह हूं। बादशाह, आतंकवादियों का मसीहा,
तुम मुझे इस तरह से आजाद नहीं कर सकते। आजाद तो हम भी तुम्हें नहीं करना चाहते, पर मजबूर है, आजाद करना पड़ रहा है तुम्हें। जा सकते हो तुम। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो वो मेरी मां को जान से मार देगा। कौन? खत्री, इकबाल खत्री। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। मेजर, तुम मुझे गोली मार दो मेजर, और कह देना कि मैं भागने की कोशिश कर रहा था और तुमने मेरा एनकाउंटर कर दिया। मार दो गोली मेजर। इकबाल, अरे कितने बार कहा तुमसे कि मैं इकबाल नहीं हूं। मेजर, मैं अब्दुल मजीद। हाँ, अब्दुल, मैं जानता हूं कि तुम इकबाल खत्री नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी गर्दन के पीछे के हिस्से में अभी भी प्लास्टिक सर्जरी का मार्क मौजूद है और साफ दिखाई दे रहा है। नो, ये नहीं हो सकता। ये सच है। हाँ मेजर, ये सच है। उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा मुझे दे दिया ताकि यहां सब लोग धोखा खा जाए, और उसके वो सारे केस हमेशा हमेशा दफन हो जाए। इसका मतलब उसने मुझे भी धोखा दिया। ऑफ कोर्स मेजर, मेरी मां को बचा लो। मेजर, मेरी मां उसके कब्जे में है। ओ, उसे मार देगा। उसे कहां है? उसने कहा अगर अपना मुंह खोला ना। तुम्हारी मां को बचाने का एक ही तरीका है कि हम इकबाल खत्री को मार दें। देखो, अगर तुम अपनी मां को बचाना चाहते हो तो बताओ खत्री कहां है। मैं नहीं जानता। देखो, उसे बचाने की कोशिश बेकार है। सब कुछ सच सच बता दो। मैं सच कह रहा हूं। मैं नहीं जानता। जिस तरह प्लास्टिक सर्जरी से उसने अपना चेहरा मुझे दे दिया, ठीक उसी तरह उसने अपना चेहरा बदल लिया। अब मैं नहीं जानता कहां है और दिखता कैसा है। मैं सच कह रहा हूं मेजर। लेकिन तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी किसने की थी? डॉक्टर अस्थाना। डॉक्टर अस्थाना। तुम ये नहीं कर सकते।
He's no more. यहाँ तो सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। चीफ, ये जरूर उस खतरे का काम होगा। ओ नो चीफ, किसी ने पूरा डेटा डिलीट कर दिया है। मोनिशा, तुम ये सारा डेटा रिकवर कर सकती हो? कोशिश कर सकती हूँ, अगर हार्ड डिस्क ठीक हुई तो। या हरी अप, हरी अप। या। चीफ, बम। सिर्फ 50 सेकंड, आउट, एवरीवन आउट। मनीषा, डू इट फास्ट, जस्ट ट्राइंग। या मनीषा, थोड़ा जल्दी करो। अभी ना, मनीषा की मदद करो हार्ड डिस्क निकालने में। हार्ड डिस्क, एक मिनट, पूरा सीपीयू उठा लो। डिफ्यूज्ड। चीफ, गुड जॉब इंसाइल। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सर, हार्ड डिस्क हमारे पास है, लेकिन अब देखना ही है कि इसमें हमें क्या मिलता है। लेट्स गो। चीफ, लुक एट दिस। डॉक्टर अस्थाना के कंप्यूटर में से मुझे ये डिटेल्स मिली है। ही इज अब्दुल, जिसकी सर्जरी करके इसे इकबाल खत्री बनाया गया था। इसके बारे में मुझे कंफ्यूजन है। हमेशा की तरह इकबाल खत्री का नया चेहरा, लेकिन चीफ मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि ये कौन है। ये चेहरा को जाना पहचाना है चीफ। याद आया चीफ, चीफ ये एक एनआरआई है जिसने अभी अभी इंडिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है रियल एस्टेट में, लेकिन इसका नाम क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा। शेखर। राज शेखर। इसको ठीक तरह से पैक करके पहुंचा देना, ठीक है? और रोकड़ा देगा वो, रोकड़ा लेके सीधे इधर आ जाना, ठीक है? कुछ गड़बड़ नहीं होनी। कौन है बे? डोंट मूव। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो। वे, कौन है तुम लोग? हाँ, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गन दिखाने की? तू जानता है मैं कौन हूं? जानता है? अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कौन हो। राजशेखर उर्फ इकबाल खत्री। अब सीधी तरह से अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अबे कौन कौन इकबाल, कौन खत्री? हाँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या?
आखिरकार तुमने वही किया जो तुम चाहते थे। तुमने इकबाल खत्री को मार ही दिया, जबकि मैंने साफ ऑर्डर दिया था कि इकबाल खत्री हमें जिंदा चाहिए। I'm sorry, चीफ, लेकिन मैं इसकी जान बचाने के लिए अपनी और साहिल की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। तुम उसके शरीर पर कहीं भी गोली चला सकते थे, पर सीधे सीने पर? चीफ, अगर ये इसको नहीं मारता तो इसकी जान ले लेता। और इसने जिस हालात में ऐसा किया है, शायद आप होते तो आप भी ऐसा ही करते। चीफ, सर्जरी तो हुई है, यहां पर सर्जरी की मार्क है, ये देखिए। यानी अब अब्दुल की मां को कोई खतरा नहीं है। इकबाल खत्री की मौत के साथ अब्दुल को दोबारा जिंदगी मिल गई। ये सब आपकी मेहरबानी है मेजर साहब। मैं नहीं जानता कि मेरी मां कहां है, लेकिन जहां कहीं भी होगी वो जरूर जिंदा होगी। कस हो गए, पर हमें तुम्हारी गवाही की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर मत जाना। Sure. वैसे भी जब तक मैं उस चेहरे से और उससे जुड़े हर इल्जाम से छुटकारा नहीं पा लेता, मैं शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। थैंक यू मेजर। हेलो चीफ, एक प्रॉब्लम है, आप फौरन यहां आ जाइए। चीफ, ये देखिए, ये टैटू। यहां की स्किन के सेल्स के हिसाब से ये टैटू कम से कम नहीं तो 10 से 12 साल पुराना है। इकबाल खत्री जैसा कट्टर इंसान अपनी पीठ पर नाग देवता का टैटू कभी नहीं करवाएगा। इसका मतलब ये कि ये भी इकबाल खत्री नहीं है। तो फिर ये कौन है? You're right, चीफ, ये इकबाल खत्री नहीं, ये नारंग है। नारंग, मैंने ये टैटू नारंग की पीठ पर देखा है। ये इकबाल खत्री नहीं है, अब्दुल भी इकबाल खत्री नहीं है, तो फिर इकबाल खत्री है कौन?
देखा स्वीटहर्ट, कितनी आसानी से नारंग को अपने रास्ते से हटा दिया और जीते जी इकबाल खत्री को मार दिया। और मैं यही सोचती रही कि आखिर तुमने अपने चेहरे पर अपनी ही प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई। मैं जानता था कि मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कमांड फोर्स की नजरों से छुप नहीं सकती। वो लोग यही सोचेंगे कि मैं इकबाल खत्री नहीं बल्कि कोई और हो, और यही हुआ। अब देखना, नारंग के साथ साथ मेरे जुर्म भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे और उसके बाद मैं अपनी बादशाहत फिर से कायम करूंगा और ऐसा तहलका मचाऊंगा कि दुनिया देखेगी। इकबाल, जहां जुर्म की दुनिया खत्म होती है वहां कमांड फोर्स का पहला कदम शुरू होता है। मेजर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कमांड फोर्स के हाथों से इतनी आसानी से निकल जाओगे? लेकिन ये तो, हाँ हाँ, ये बेचारा तो अब्दुल मजीद है ना, जिसकी माँ इकबाल खत्री के कब्जे में। तुम तो अब्दुल मजीद बनकर छूट सकते थे खत्री, लेकिन नारंग को तुम्हारी इकबाल खत्री बनाने की चाल तुम्हें ले डूबी। कहते हैं ना, एक बेवकूफी सारी चालाकियों पर पानी फेर देती है। नारंग की पीठ पर बने एक नाग ने तुम्हारे सारे मसूबों को डस लिया। नो, नारंग इकबाल खत्री नहीं है, ये तो हमें उस नाग के टैटू से पता चल गया था। पर तुम इकबाल खत्री हो, ये हमें कैसे पता चला, ये नहीं पूछोगे हमें? तुम्हारी यही आदत ने तुम्हें मरवा दिया इकबाल खत्री। जब मैं तुम्हें मिला और तुम जाने लगे, तब तुमने यह हरकत की और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी यह हरकत मुझे खटकने लगी। मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मेरी समझ में सारी हकीकत, सारा मामला आ गया। इकबाल खत्री, एक बात याद रखना, जुर्म चाहे कानून से कितनी भी आंख मिचौली खेल ले, पर जीत हमेशा कानून की ही होती है, हमेशा। इकबाल खत्री, अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। चलो। चलिए मैडम। Don't take it easy.